वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहे ॐ शांति शांति शांति। अब अपने हथेलियों को आपस में मिलाएं, आपस में रब करें और धीरे धीरे अपने आंखों के ऊपर प्लेस करें। हथेलियों के अंदर ही आंखों को धीरे धीरे ओपन करना है, खोलना है, इस बात का ध्यान रहे। आंखें कोमल होती हैं, उसको अगर आप आउटडोर में अभी बैठे हैं ग्राउंड पे और तुरंत ही आप अपने आंखों को खोलते हैं तो उसमें रोशनी का जो प्रकाश का जो उस पर लाइट पड़ती है उससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो कोशिश करते हैं हाथों के अंदर ही खोलते हैं और ज़मीन पे पहले तो देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कोमलता से आंखों को खोला जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप अपने यथास्थान पे उठ के खड़े हो जाएं। जॉइंट्स हैं जो हमारे बोन हैं उनका ओपनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसका इस शरीर का तापमान को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है ताकि हमें किसी प्रकार की इंजरी ना हो और हर प्रकार से हम तैयार रहें योगाभ्यास के लिए। आज का जो सत्र है वो योगा फॉर डायबिटीज़ के लिए है, आप सभी को बताना चाहता हूं। और सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके बाद हम डायबिटीज़ पे आते हैं। तो अपने यथास्थान पे ठीक से खड़े हो जाएं, इसलिए रुकेंगे। चेंज नंबर 5, पांचवें क्रम पे हम लोग ध्यान देंगे कि सभी लोग इस पांचवें आसन पे करते हैं पर्वतासन की। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, पर्वतासन की जगह भूधर आसन करना है। तो यहाँ आप सामने देख सकते हैं, बॉडी को डिप्स की पोजीशन में लाएं, ठीक है। डिप्स की पोजीशन में लेंगे, जैसे आप पुशअप लगाते हैं उस पोजीशन में आएंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी लेग्स पे, हैंड्स पे आपकी बॉडी, और नीचे की ओर देखिए, ऊपर भी नहीं ले जाना है। एक डाउन करिए, प्रेशर मेंटेन करना है, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए एक कतार में। और ये भी गड़बड़ा है, बताओ वो हाथों पे पाँव पे आपका होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड बराबर। हिप और डाउन होगा, हिप और डाउन होगा, यस। और थोड़ा सा डाउन करिए, और डाउन करिए, यस। बस बॉडी के 8 पार्ट्स आपके फ्लोर से टच रहेंगे, दोनों पीछे के लेग्स, आपके नी, आपका चेस्ट, दोनों हथेलियाँ, उनके पाम और आपका चिन। अष्टांग नमस्कार। ध्यान रहे कि आपका हिप जो है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, आप अपने हिप को थोड़ा सा ऊपर करें, आपकी जो नाभि है वो स्पर्श नहीं करेगी सतह से। तो हिप को थोड़ा सा उठा के रखेंगे। चेंज, आगे बढ़ते हैं। आपका भी गड़बड़ है, यस। कौन से 7वें नंबर का आसन है जिसको बोलते हैं भुजंग आसन। गहरी लंबी श्वास भरते हुए छोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखें, पीछे पैरों को मिला के रखें, पीछे पैरों को मिला के रखें, ऊपर की ओर देखें, श्वास अपनी नॉर्मल रखें, जैसे बहुत ज़्यादा लेना है ना बहुत ज़्यादा छोड़ना है। ओके, वापस धीरे धीरे आएंगे। चेंज, काउंट नंबर 8, कम इन पर्वत आसन। पर्वत आसन की स्थिति में अगर पीछे आपके हिल टच नहीं होते तो एक स्टेप आपको फॉरवर्ड लेना है, पैरों को थोड़ा सा आगे स्लाइड करना है और अपने हील को पीछे स्पर्श करना है। इसमें कंसंट्रेशन आपका नोवेल पे होगा, आपके नाभि पे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चेंज, अभी जो लेग पीछे गया था बायां पांव वही आगे आएगा, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, लुक अप, ऊपर की ओर देखेंगे, एक अच्छा तनाव आपके बैक में पीछे साइड में पड़ेगा। जिन लोगों को शोल्डर में प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को नियमित कर सकते हैं, बस फॉरवर्ड बेंडिंग आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। चेंज, जो पैर पीछे था वही फॉरवर्ड आएगा, कम इन पादहस्तासन, अपने घुटनों को अपने नी को बैंड नहीं करेंगे, ध्यान रहे। जिस स्थिति में जितना आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है उतना एक बार फोल्ड करेंगे। बहुत बढ़िया, श्वास नॉर्मल, वापस धीरे धीरे आएंगे, सांस लेते हुए छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। हस्त उत्थान आसन में थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहें, वापस नमस्कार आसन में। अभी हम लोग बिल्कुल आराम से कर रहे थे, हाथों को आराम से नीचे रखिए, साइड में रिलैक्स, बिल्कुल आराम से कर रहे थे आप सभी, क्योंकि वीकनेस है, स्टिफनेस है, वो बिल्कुल आराम से करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। तो आपको स्पीड बढ़ती है तो आपको अपने अनुरूप भी करना है, क्योंकि आपकी बॉडी कितना कर सकती है ये आपको बेहतर पता है। तो शुरू करते हैं फिर से पुनः दूसरा राउंड सूर्य नमस्कार का, कम इन स्टैंडिंग पोजीशन।